अवकाश प्रेस क्लब की नौ मुंतखब वाड़ी की तकरीब हलफबरदारी प्रेस क्लब लान में मुनक्कद की गई। सूबाई वजीर इत्तला'आत सैयद गनी ने नौ मुंतखब उहदेदारान से हलफ लिया। नौ मुंतखब उहदेदारान ने इस अजम का इरादा किया कि प्रेस क्लब और सहाफियों की फलाह व बहबूद और इनके मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जाएंगे। कबल अज सीनियर सहाफी सलीम आजाद ने इस्तकबालिया खिताब में आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा, जबकि सदर प्रेस क्लब नजीर पवर ने अपने खिताब में आने वाले मेहमानों सूबाई वजीर को सहाफियों के मसाइल और प्रेस क्लब के बारे में आगाही दी और सहाफियों के देराना मसले सहाफी कॉलोनी के लिए फौरी इकदाम की गुजारिश की, जबकि सहाफियों के लिए सेहत और शादी व देगर मसाइल के हल के लिए माली मावनत की इस्तदा के बाद अजा सूबाई वजीर सैयद गनी ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत सिंध सहाफियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करती है, जबकि सहाफी कॉलोनी का क्याम अमल में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सहाफी अपने मसाइल माली मावनियत और बीमारी के इलाज के लिए हमें आगाह करें, इनकी भरपूर मदद की जाएगी। इस मौके पर सूबाई वजीर हुकूमत सिंध की जानिब से प्रेस क्लब मीरपुर खास के लिए मंजूर शुदा 50 लाख रुपए की ग्रांट का चेक सदर नजीर पवर के हवाले किया, जबकि मेहमानों को सिंध का रवायती तोहफा सिंधी टोपी अजरक के तायफ पेश किए गए। इस मौके पर साबका सूबाई वजीर हरिराम किशोरीलाल, MPA जुल्फकार शाह, SSP कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी, DC सलामत अली मेमन, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर शौकत अली रहमू व देगर ने शिरकत की। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewsht.com।